सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल एंड दोस्तों टाइटल में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दोस्तों हम लोग फ्लिपकार्ट का दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट को हम किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, रिटर्न किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों रिटर्न करना तो बेहद ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, रिटर्न कोई भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों रिटर्न करने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा दोस्तों हमारा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम अपने पैसे को किस तरीके से बैंक अकाउंट के अंदर लें। तो इस वीडियो में आज मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप अपने जो है दोस्तों फ्लिपकार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपने यहां पर जो है बाय किया हुआ है, परचेस किया हुआ है, और वो अगर प्रोडक्ट जो है आपको किसी भी कारण से डैमेज निकलता है या आपको पसंद नहीं आता है, क्वालिटी अच्छा नहीं लगता है, और आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है मेरा जो है वापस हो जाए और उसका पैसा जो है बैंक अकाउंट के अंदर मेरे आ जाए, वो भी इंस्टेंट के इंस्टेंट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 5 मिनट का प्रोसेस लगेगा, 5 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। लेकिन वो 5 मिनट दोस्तों कैसे लगेगा, उसके लिए जो है इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। मैं दोस्तों सारा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है कैंसिल कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना ऑर्डर दिखा देता हूँ। मैं अपना काफ़ी ऑर्डर जो यहाँ पर जो है कैंसिल करता रहता हूँ। जो भी हमारे यहाँ पर जो है सामान जैसे कि हमें जो है पसंद नहीं आता है, उसको कैंसिल करके जो है मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट जो है अपना रिफंड ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर दोस्तों देखते हैं रिफंड कैंसिल रिफंड यहाँ पर जो है कंप्लीट। एंड यहाँ पर जो जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर रिफंड करते हैं, वो रिफंड जो है हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर तुरंत पहुंच जाता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप भी दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि आप भी फिलहाल में ही दोस्तों मेरा 1, 2, 3 एंड यहाँ पर दोस्तों 4 प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पर बाई भी किया हुआ है, इन सभी को दोस्तों अभी मैं चाहूँ तो रिटर्न कर सकता हूँ, रिफंड कर सकता हूँ और इसका पैसा बैंक अकाउंट के अंदर ले सकता हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों आपको लाइक कर देना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड सबसे पहले दोस्तों आपको आना है प्ले स्टोर में, एंड यहाँ पर आप सर्च करना है प्ले स्टोर में। दोस्तों आने के बाद जैसे आप आते हैं, आने के बाद यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट लिख के सर्च करना है, और इस एप्लीकेशन को सबसे पहला काम आपको यहाँ पर दोस्तों इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर अपडेट नहीं करोगे तो यहाँ पर जो है आपको जो प्रोसेस में बताऊंगा, जो स्टेप में बताऊंगा, हो सकता है आप में वर्क ना करे या आपको वो स्टेप ना दिखे। तो सबसे पहला काम है दोस्तों यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अपडेट करके ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे पास जो है इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। एंड यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है हमें प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है कैंसिल करने के लिए, रिफंड करने के लिए, यानी कि दोस्तों रिप्लेसमेंट करने के लिए, आप चाहो तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज भी कर सकते हैं। चाहो दोस्तों तो आप जो है यहाँ पर एक्सचेंज वगैरह भी कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आना है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर मैं दोस्तों ये तीर वाला जो निशान लगा रहा हूँ, इस अकाउंट में आपको क्लिक करना है फटाफट से। एंड यहाँ पर दोस्तों जैसे अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको ऊपर में ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑर्डर्स। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको ऑर्डर्स में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ऑर्डर में क्लिक करते हैं, आपके सामने पेज जो है थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एंड जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया है, मंगाया फिलहाल, वो प्रोडक्ट आपके दोस्तों यहाँ पर जो है हाईलाइट होकर के आपको फर्स्ट में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आपको कैंसिल करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कीबोर्ड मंगाया था, एंड यहाँ पर कीबोर्ड, एंड आपको यहाँ पर जो है मैंने एक माउस मंगाया था, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए सॉरी, इसको मैं नहीं कैंसिल करता हूँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ जो आज के ही डेट में दोस्तों डिलीवर किया गया है। एंड इसका जो है पैसा मैं बैंक अकाउंट के अंदर अभी लेके दिखाता हूँ आपको। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद वो प्रोडक्ट जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर डिलीवर दिखा देगा। अगर आपका डिलीवर हो चुका होगा तो आपको डिलीवर दिखाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग को जो एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, यानी कि दोस्तों रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो काफ़ी लोग को जो दोस्तों रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलता, वो क्या करेंगे, एंड दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो भी, अगर आपको यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जिनको रिटर्न का ऑप्शन मिल रहा है, वो किस तरीके से रिटर्न करके पैसे वापस लेंगे, तो इस रिटर्न में आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर जैसे रिटर्न में क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों देखते हैं रिक्वेस्ट रिटर्न। एंड यहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट रिटर्न का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रोडक्ट में जो है कौन से प्रॉब्लम आया है, कौन से यहाँ पर जो है आपको मिसमैच हुआ है, जैसे कि दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज मिसिंग, यानी कि पैकिंग, हमारा जो पैकिंग किया गया दोस्तों प्रोडक्ट, उसी टाइम दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ मिसमैच किया गया है, क्योंकि प्रोडक्ट जो जितना मुझे वहाँ पर दिखाया गया था ऑनलाइन, उतना मुझे दोस्तों यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर मेरे पास कम रिसीव हुआ था। हम ऊपर वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, बाकी दोस्तों आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप अपने हिसाब से रीजन को चूज़ करेंगे। अगर आपका रॉन्ग आइटम होगा तो आपको यहाँ पर जो है काफ़ी तरीके का रॉन्ग आइटम वगैरह का मिलता है ऑप्शन,
तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना, मैं ऊपर वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं ऊपर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है मिसिंग प्रोडक्ट पैकिंग, यानी कि दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैकिंग में मिस हुआ है, तो हम ऊपर वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे मिसिंग प्रोडक्ट पैकिंग, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर मिसिंग पैकिंग। तो यहाँ पर मैं मिसिंग पैकिंग लिख के कंटिन्यू करूँगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने मिसिंग पैकिंग लिख दिया दोस्तों। अब लिखने के बाद हम इस कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अब आपके सामने दोस्तों दो ऑप्शंस आपको मिलेगा, रिप्लेसमेंट एंड आपको यहाँ पर जो रिफंड। तो यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, इसे दोस्तों रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं या रिफंड लेना चाहते हैं। अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दो ऑप्शंस मिलेगा, आप रिफंड में डायरेक्ट क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों जो है आपका पैसा यहाँ पर दोस्तों दिखा रहा है 5 से 7 दिन, लेकिन ये पैसा जो है आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर रिफंड में जैसे क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको अपना बैंक डिटेल दोस्तों डालने के लिए बोला जाएगा। और बैंक डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपका जो है इस तरीके का दोस्तों बैंक अकाउंट फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। मैंने दोस्तों काफ़ी बार लिया हुआ तो मेरा ऑलरेडी ऐड दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं सबमिट करता हूँ उसके बाद यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट में हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है हमारा कैंसिल यानी कि दोस्तों हो चुका है। और ये दोस्तों आपका फ्लिपकार्ट का एजेंट आएगा दोस्तों, आपको उसको सामान दे देना है और वो आपका दोस्तों जैसे स्कैन करेगा सामान उसके बाद दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा।